है मुख्य शिवरात्रि वाले दिन, जो वर्ष में एक बार जो महाशिवरात्रि आती है, ये केवल उस दिन करने का। और शिवरात्रि के दिन रात्रि को 12 बजे शंकर भगवान पर एक धतूरा चढ़ा दो। क्या चढ़ाना है जम के बोलिए जरा, धतूरा। ये शंकर भगवान को धतूरा चढ़ा दो 12 बजे रात्रि को, शिव जी पे धतूरा चढ़ाओ। आधे घंटे तक धतूरा चढ़ रहे दो और आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करो। जिस शंकर जी पे धतूरा चढ़ाए उस मंदिर के बाहर बैठकर कौन सा मंत्र जपना है? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। फिर से बोलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। धतूरा चढ़ाकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करिए। और जो दुकान नहीं चलती हो, घर में लक्ष्मी नहीं टिकती हो, खेत में फसल अच्छी नहीं आती हो, संपदा नहीं आ रही हो, बस उस धतूरे को लाल वस्त्र में बांधकर अपनी दुकान में, अपने व्यापार में, अपने घर में रात को 12:30 बजे उठाकर लाओ और 4 बजे के पहले उसको अपनी दुकान व्यापार व्यवसाय में उसको बांध दीजिए। और अगर जो जमीन फसल सही दे रही हो उस जमीन में ले जाकर गाड़ दीजिए। आपको जीवन में कभी तकलीफ नहीं भोगना पड़ेगी, लक्ष्मी बढ़ती चली जाएगी महाराज, संपदा बढ़ेगी। जो व्यक्ति ज्यादा बीमार रहता हो, बहुत बीमारी उसको घेरे रहती हो, परेशान रह रहा हो, बीमारी बीमारी बनी हुई है, तो बोर चढ़ाइए। बेर क्या बोलते हैं यहाँ पर, बेर की बोर, वो खाने वाला बेर जो होता है, उस बेर को 7 बेर ले लो और 7 बेर को लेकर अपने ऊपर से घुमाकर शिवरात्रि की दोपहर के 12 बजे शंकर भगवान के शिवलिंग पर ले जाकर उस बेर को चढ़ा दीजिए। आपका रोग, आपकी बीमारी मात्र 3 महीने के अंदर समाप्त हो जाएगी। महाराज, जिसके घर में क्लेश रहता हो, बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, सास बहू के झगड़े, ना बहू कुछ सुनने को तैयार, ना सास सुनने को तैयार, और घर में बेचारे पुरुषों की आफत, यहाँ भाई भाई झगड़ रहे हो, सास बहुएं झगड़ रही हो, कुछ मत करिए, गेहूं की बाली को तोड़ो। गेहूं की बाली जानते ना, जिसमें आप लोग, तो गेहूं की बाली को तोड़ना है और बाली 7 बाली तोड़कर अपने घर में घुमाकर अपने घर का नाम और गोत्र बोलकर उसको शंकर को समर्पित कर दीजिए। जिंदगी में कभी सास बहू का झगड़ा नहीं होगा महाराज, शिवरात्रि के दिन उसको समर्पित करिए, आपके घर में कभी क्लेश नहीं मच सकता।